आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली हम इंडियन ज्योग्राफी के पूरी तरीके से कंप्लीशन पे नहीं, लेकिन पार्शियल कंप्लीशन पे आ गए हैं। आज हम आखिरी यूनिट की बात करेंगे। दोस्तों, दो ही चैप्टर हैं, दो ही चैप्टर्स को देखेंगे, और इस यूनिट का नाम है द ग्रेट आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। आइलैंड क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो आइलैंड होते हैं। हर तरफ समुद्र, बहुत सारी आपने मूवीज में देखा होगा, लाइफ ऑफ पाई देखी थी ना, कि शेर और एक लड़का एक नाव पे फंस जाता है और उसके बाद उनको आइलैंड मिलता है, याद है कि नहीं? हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी दोस्तों, सेंटेनलीस आइलैंड, जो सेंटेनलीस ट्राइब है, वहां पे शायद एक अमरीकी था कि ऑस्ट्रेलियन था, वहां पे चला गया था और वो बेसिकली वहां पे कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि वो जो ट्राइब है बाहरी लोगों से कांटेक्ट नहीं रखती है, और ये बिल्कुल सही बात भी है, अपने आप को प्रिजर्व करके रखती है। लेकिन वहां पे वो चला गया कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, और उसके बाद उसकी लाश आई थी वापस। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना हुई थी। वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ही ट्राइब है, सेंटेनलीस ट्राइब, जिसमें हम बात करेंगे। बहरहाल, हम यूनिट 6 द ग्रेट आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इसमें दो चैप्टर हैं। पहले हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे और उसके बाद लक्षद्वीप की बात करेंगे। मजा आएगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए भारत का मैप। हम ये चीज पूरी कवर कर चुके हैं, ये यूनिट 1 में हमने कवर किया था। फिर से बता देता हूं, द ग्रेट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ, ये है यूनिट 1। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, देख लीजिएगा। हिमालयन माउंटेन्स मैंने पूरी कवर की थी इसमें। इसके बाद हम यहां पे आए थे द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये यूनिट 2। इसमें भी 12 चैप्टर्स, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र सब कवर किया था। फिर हम आए थे पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, यूनिट 3, ये पूरा का पूरा 6 चैप्टर्स थे, ठीक है ना? पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, ये पूरा हमने कवर किया था, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स भी कवर किए थे, तो यहां पे ये यूनिट 3 था। उसके बाद दोस्तों, कोस्टल प्लेन्स कवर किया था, उसका एक ही चैप्टर था दोस्तों, वो मैंने पूरा कवर किया था। ये देख रहे हैं ना, पूरा ये जो तट है भारत के, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये पूरा कवर किया है दोस्तों। फिर पिछले लेक्चर में हमने थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो राजस्थान गुजरात के पूरे एरिया को कवर करता है, इसको हमने कवर किया था। आप देख सकते हैं ना, 85% इसका भारत में और 15% पाकिस्तान में है। तो थार डेजर्ट को पूरा अच्छे से कवर किया था, वो चैप्टर है, देख लीजिए। और फाइनली आज हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड दोस्तों, ठीक है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, फिर से अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, याद रखना है, भारत के दो ही सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहां पे इंडियन ज्योग्राफी पार्शियली खत्म हो जाएगी, 70% हम इंडियन ज्योग्राफी को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने यहां तक लेक्चर देखे हैं दोस्तों, टोटल 38 चैप्टर्स हैं, आप देख लीजिए, रेफर कर लीजिए, प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और साथ ही साथ जीसी लियोंग भी चल रही है, उसके 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कल तक सारे यूनिट्स की पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगी, आप ले लीजिएगा। अभी तक 2 यूनिट्स की पीडीएफ जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम देखेंगे भारत का वेदर सिस्टम, भारत की मिट्टियां, सॉयल ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ भारत के पर्यावरण पे भी नजर डालेंगे, भारत के एनवायरमेंट पे भी नजर डालेंगे, लेक्स देखेंगे, कुल मिला के जो चीजें बच गई हैं उसको हम कवर करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे आएंगे, ठीक है? तो 70 से 80 लेक्चर्स हैं दोस्तों, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि सिविल सर्विस से पहले, जब जून में एग्जाम होगा सिविल सर्विस का, उससे पहले ज्योग्राफी इंडिया की कंप्लीट हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख लीजिए दोस्तों, ये एक मॉडिफाइड मैप है, ये मैंने लिया है विकिपीडिया से, जाहिर सी बात है, देख लीजिए भारत के स्टेट्स, और ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड, छोटे छोटे द्वीप हैं भैया, इसको कहते हैं लक्षद्वीप। इधर आप जाएंगे, अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो लक्षद्वीप है अरेबियन सी के पास, ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देख रहे हैं ना, ये अंडमान है और ये फिर निकोबार है, इनको 10 डिग्री पैसेज जो है ना वो क्या कहते हैं कि इसको डिवाइड करता है, ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आई होगी। अच्छा, एक सवाल, डंकन पैसेज किसको डिवाइड करता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही ये सवाल है, मैंने जानबूझ के ये डंकन पैसेज इसमें इंक्लूड नहीं किया है। डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है, ये आपको मुझे
बताना है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहां पे भारत का एक वॉल्केनो भी है जो कि एक्सटिंक्ट है, फटा नहीं है, लेकिन अभी फट गया था भैया, इरप्ट हुआ था वो 2017 में ही आई गेस इरप्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले। तो भारत के दो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। चैप्टर वन में हम आज इसकी बात करेंगे और अगले में चैप्टर टू में लक्षद्वीप की बात करेंगे। तो दोस्तों 572 आइलैंड हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स हैं, इसमें फैक्ट्स ही होंगे। 572 आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में हैं, जिसको हम कुल मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका अंडमान सी है और ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बीच में क्या है भैया, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आप इधर नॉर्थ चले जाइए तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, साउथ चले जाइए तो आपको इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा, कन्याकुमारी। इधर आप जाएंगे ईस्ट की तरफ तो इंडोनेशिया, म्यांमार आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इनफैक्ट, ठीक है ना, यहाँ से भैया भारत की डिफेंस फोर्सेस भी काम करती हैं, वो भी हम देखेंगे जब फैक्ट्स में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये टोटल 150 किलोमीटर की टेरिटरी है जो कि इंडोनेशिया से नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थाईलैंड और म्यांमार से इसको अंडमान सी सेपरेट करता है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और 150 किलोमीटर ये पूरा वाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉरी, देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये दो ग्रुप्स में है, ठीक है, मैंने बताया था ना, एक अंडमान है, ठीक है, और एक निकोबार है, इन दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। वैसे आपको बता दूं कि अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो अंडमान आइलैंड्स भी तीन में डिवाइडेड, ठीक है, लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो अंडमान एंड निकोबार ये दोनों सेपरेट हैं, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। दोस्तों बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, आपको पता ही है कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में क्या है भैया, याद है कि नहीं, सेल्यूलर जेल। जी हाँ, देखिए आपको अगर हम इतिहास में ले चलें, ज्योग्राफी कवर करो तो इतिहास इतिहास में ही मैं बताऊंगा, हिस्ट्री में ही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, ये जो अंडमान एंड निकोबार पूरा आइलैंड, ये काला पानी हुआ करता था, आपको याद होगा कि ये जेल थी पूरी, ठीक है। ब्रिटिशर क्या करते थे, जो भारत के रेवोल्यूशनरी होते थे, जो बहुत ही खूंखार कैदी होते थे और भारत के जो क्रांतिकारी होते थे, उनको यहां पे भेजा जाता था। भैया वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, तो उन्होंने यहां पे काफी समय बिताया था ना काला पानी में, तो अंडमान एंड निकोबार को काला पानी बोला जाता था, और बहुत बहुत ही खतरनाक सजा दी जाती थी दोस्तों। अगर आपको नर्क को देखना होता था तो आप अंडमान चले जाइए, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते, भाग के कहां जाएंगे, हर तरफ तो समुद्री समुद्र है ना, कोई भी भाग नहीं पाया था वहां से, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था वहां पे लाइफ, बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत करती थी, और कैदियों के साथ तो बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। लेकिन अब ये एक टूरिस्ट प्लेस है, पोर्ट ब्लेयर में जाइए, सेल्यूलर जेल है वहां पे, लुफ्त उठाइए, जेल का लोग वहां पे लुफ्त उठाते हैं, घूमते हैं, बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार, अब तो टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से, ठीक है ना। तो जो टोटल लैंड एरिया है इन दोनों आइलैंड का, वो है लगभग लगभग 8,300 स्क्वायर किलोमीटर, और यहां पे आपको भारत की आर्मी का ट्राई सर्विस कमांड भी मिलेगा, इंडियन आर्म फोर्सेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेगी दोस्तों, सेंटिनलीज ट्राइब्स, जैसा कि मैंने बताया था हाल ही में, अभी एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। देखिए ट्राइब्स को, जो ये सेंटिनलीज ट्राइब्स है, ये अब ये दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करती है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ट्राइब्स ने लोगों से कॉन्टैक्ट किया, तो वहां पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ट्राइब को ऐसा एक्सप्लॉइट किया ना कि उसके बाद क्या कहें। इसीलिए ये जो ट्राइब है बिल्कुल अलग थलग रहती है। अभी एक आदमी ने, शायद अमेरिका का था, ऑस्ट्रेलिया का था दोस्तों, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, हाल ही में न्यूज आई थी ना कि वो वहां पे चला गया था कॉन्टैक्ट करने, बोला था कि क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट है मेरे साथ और मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत दुखद हादसा उसके साथ हुआ था, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। 2018 में, अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने वहां के कुछ आइलैंड्स को, तीन आइलैंड्स को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी रखा है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये सवाल पूछ लिए जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रॉस आइलैंड का नाम रखा था उन्होंने, याद रखिएगा, वहां पे जो रॉस आइलैंड है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस
द्वीप, नील आइलैंड शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 75वीं एनिवर्सरी थी ना जो अभी, वैसे कब थी वो 75वीं एनिवर्सरी, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तब नरेंद्र मोदी जी ने ये आइलैंड के नाम चेंज किए। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, एरिया आपको बता दिया पूरा का पूरा, फिर से देख लीजिए, 10 डिग्री चैनल बता दिया दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो कवर एरिया है दोस्तों वो 6,000 स्क्वायर किलोमीटर का है लगभग, लगभग 325 आइलैंड का, और बाकी जो निकोबार में 247 आइलैंड है वो 1,760 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। ये कोई दिक्कत नहीं है। सैडल पीक ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। और जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,255 किलोमीटर का पूरा जो है वो एरिया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है ना, ये अंडमान एंड निकोबार में ही बैरन आइलैंड, ये बहुत सालों से नहीं फटा था, ठीक है, नाम ही है बैरन, आप समझ ही सकते हैं, लेकिन 2017 में इरप्ट हुआ। वॉल्केनो दोस्तों ऐसे ही होते हैं, हमको लगता है कि वो तीन तरीके के वॉल्केनो होते हैं ना, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव जो एक्टिव है, ठीक है ना, जो पैसिफिक, जो पूरी पैसिफिक ओशन के अराउंड जो रिंग ऑफ फायर है वो एक्टिव वॉल्केनोज है, वहां पे इरप्शंस होते रहते हैं। एक्सटिंक्ट डोरमेंट जो जिनकी संभावनाएं हैं बहुत टाइम से नहीं फटे लेकिन जो फटते रहते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन दोस्तों एक तरीके से एक्सटिंक्ट कुछ नहीं है, कुछ भी पता नहीं कि कब कौन सा ज्वालामुखी फट जाए। 2017 में फट गया था ये, आप समझ सकते हैं ना, बड़ा ही खतरनाक है। और वो 10 डिग्री पैसे बताया था मैंने, 150 किलोमीटर का पूरा उसका जो कोस्ट लाइन है, आप देख लीजिए दोस्तों, ये फिर से आप मैप देख लीजिए, हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना। पिछली बार मैंने मैप नहीं लगाया था स्लाइड के बाद में, तो हम लोग को खासी दिक्कत हुई थी, इस बार मैंने मैप लगा दिया है। अगर फ्लोरा और फौना की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हमको मिलते हैं, 2,200 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 87% फॉरेस्ट कवरेज एरिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फौना की बात करें दोस्तों, जानवरों की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी मिलते हैं, 50 वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट मैमल्स मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बटरफ्लाइज मिलेंगे, रूडेंट्स मिलेंगे। 1962 में यहाँ पे तेंदुओं को भी बसाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नाकामयाब रही थी, ठीक है। 14 स्पीशीज ऑफ, मतलब चमगादड़ों की 14 स्पीशीज है, तो काफी ज्यादा डाइवर्स है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और आपको यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, डुगोंग मिलेगी, सी काउ, ठीक है ना, गाय होती है, डुगोंग बोलते हैं उसको, ये बहुत स्पेशलिटी है यहाँ की। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी आपको यहाँ पे काफी मिलेंगे, ठीक है। वैसे मगरमच्छ जो है वो सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट हैरियत नेशनल पार्क, वैसे 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लेकिन ये काफी स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा। 2011 के सेंसस की बात करें दोस्तों, तो जो पॉपुलेशन है आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 3,80,000 की यहाँ के पे लगभग लगभग पॉपुलेशन है, जिसमें 53%, 2,24,000 लगभग मेल हैं और बाकी फीमेल्स है, 46%, 47% फीमेल्स है और 53% मेल्स है। सेक्स रेशियो की बात करें तो हर 1,000 मेल्स पे 878 आपको फीमेल्स मिलेंगी, तो कम है सेक्स रेशियो, वैसे यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और निकोबार आइलैंड्स की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 90% अंडमान में ही रहती है, सिर्फ 10% निकोबार आइलैंड में रहते हैं। दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आपको पता ही है, और अब तो ऐसा हो गया कि जहां पे संभावना भी नहीं होती है कि लोग यहाँ पे मिलेंगे, वहां पे भी आपको लोग मिलते जाएंगे, तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खतरे की घंटी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है, जी हाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों, तो यहाँ से बाहर से भी काफी टूरिस्ट आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे ट्रेन नहीं है, आपको प्लेन से ही जाना पड़ता है, बंगाल से, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ लीजिए, चेन्नई से फ्लाइट पकड़ लीजिए, विशाखापट्टनम से फ्लाइट पकड़ लीजिए, तो वहीं से ही आपको जाना पड़ेगा फ्लाइट पकड़ के। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इंग्लिश भी एडिशनल लैंग्वेज है और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी तो वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हर जगह की ही है लेकिन बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है, 28.5% लोग बंगाली को बोलते हैं, फिर उसके बाद हिंदी है 20%, फिर तमिल, तेलुगु, निकोबारीज और मलयालम, तो हर
सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपको बोलने को मिलेंगी। अगर आप देखिए, आप हर जगह तो ये सारी लैंग्वेज चल ही जाती है, ठीक है, मतलब चलती ही है यहाँ पे। भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस है दोस्तों, और अगर आप तमिलियन है, मलयालम है, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी लैंग्वेज वहां पे चलती है। रिलीजन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू है, ठीक है, 70% हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है फिर 22%, इस्लाम 8.5%, सिखिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। तो इस्लाम, सिखिज्म और बुद्धिज्म माइनॉरिटी में है, और हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डंकन पैसेज वाला जो सवाल पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अगले चैप्टर में हम लक्षद्वीप की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।